तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे एडिटिंग के, डेटा एडिटिंग के, उसी बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कुछ नंबर्स हैं, मुझे नंबर्स को सम करना है, तो बोले कैसे, एक कौन सी बड़ी बात है, हम जस्ट इक्वल लिखेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक टूल्स भी है, एक टूल्स भी अवेलेबल है इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए सम ऑफ का साइन, इसको बोलते हैं ऑल्ट इक्वल, इसका शॉर्टकट है, ऑटो सम कहा जाता है इसको। तो मैं ऑल्ट के साथ इक्वल की को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सम लग गया, ऑल्ट इक्वल हमने किया और यहाँ पे सम लग गया। एंटर प्रेस कीजिए, आपका अलग हो जाएगा। सम के अलावा और भी है, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट सिर्फ सम का ही है। उसके बाद हम बात करते हैं सीरीज की। अब जैसे मान लीजिए मुझे कई बार आपने देखा होगा रैन बिटवीन फॉर्मूला लगाते हुए, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और फिर एक एरिया को सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे जो फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है पूरे में फिल करना है, तो इसके दो शॉर्टकट है। पहला है आपका डाउन, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करते हैं ऊपर का चीज नीचे चलाता है, और कंट्रोल आर करते हुए राइट की चीज लेफ्ट से राइट चला जाता है। तो कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर हम कॉपी पेस्ट को अवॉइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। हालांकि कॉपी पेस्ट से तो होता ही है, पर कॉपी पेस्ट को हम अवॉइड करते हैं इसके थ्रू। ओके, बट इसमें और भी है, जैसे कि आपका अप है, लेफ्ट है, इनके लिए कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं अक्रॉस वर्कशीट की। अभी ये आपका डीएक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेट कब होगा, जब आप एक से ज्यादा सेलेक्ट करें सेल को। जैसे मैंने एक नई फाइल ले रहा हूं, इस पे मैंने तीन चार फाइलें हैं, तो मैंने शिफ्ट दबाया और लास्ट में क्लिक कर लिया, तो ये आप देखिए यहाँ पे इसका एक्टिवेट आपको हो जाएगा। एक क्या बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट डाला हुआ है आज का, और इसको फॉर्मेट वगैरह भी कर देता हूँ। अब मुझे सेम डेट जो है बाकी सारे शीट पे चाहिए, तो कॉपी पेस्ट करना है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, शिफ्ट के साथ पूरे शीट को सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद जाएं अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको दिखेगा ऑल कंटेंट फॉर्मेट। ऑल करोगे जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं ना, सेम तरह से वर्क करेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट। और आप कंटेन करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू होता है, उस तरह से होगा, और फॉर्मेट करते हैं तो पेस्ट एज ए फॉर्मेट होगा। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें और ओके करें। अब देखें शीट 4 पे भी है, सीट 5 भी है, सीट 6 भी है, सीट 7 भी है, सब पे यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, कोई Yes, तो दिक्कत इसमें? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस वर्कशीट के बाद बात आती है सीरीज की। सीरीज, जैसे मैंने यहाँ पे वन लिखा, टू लिखा, और इसको सेलेक्ट करके हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये आपका 1 2 3 4 आ जाता है। इसको आप बिना ड्रैग किए भी यूज कर सकते हैं, एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और जाइए सीरीज में। अब यहाँ पे एक लीनियर आपका रो एंड कॉलम लीनियर है, मतलब सिक्वेंसली, और स्टेप वैल्यू आपका आता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो गैप होगा वह 1 होगा, और स्टेप वैल्यू कि आपको स्टॉप वैल्यू में आपको ये बताना होता है कि कितना करना है आपको नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5, या मान लीजिए 10 कर लिया, तो 10 तक ही होगा, सिक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। या फिर जितना सिलेक्टेड है पूरा आपको करना है, तो इसको कीप ब्लैंक रख दीजिए एंड ओके कर दीजिए।
इसमें आपका एक ग्रोथ भी होता है सीरीज में, कि यहाँ पे हमने ग्रोथ और यहाँ पे हमने टू दे दिया कि हर नंबर को टू से मल्टीप्लाई कर दे, तो टू से आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो सीरीज में यहाँ होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग डेट के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे, अब मैंने यहाँ पे मई का डेट डाल दिया, अब नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये देखिए आपको ड्रैग हो रहा है, लेकिन सैटरडे संडे भी आ रहा है। मैं चलो सैटरडे संडे ना आए, तो इसके लिए हम सीरीज में जाते हैं और यहाँ डे दिख रहा है, मतलब कि जस्ट ड्रैग होगा, वीक डे कर देंगे तो सिर्फ सैटरडे और संडे ही आएगा, ओनली फॉर सैटरडे एंड संडे। तो ये देखिए आपके सामने सिर्फ सैटरडे एंड संडे ही आया, बाकी डे डिटेल्स आपकी इसमें नहीं आई है, ठीक है सर। सर इसे सैटरडे संडे एक्सक्लूड होगा ना? हाँ हट जाएगा, हाँ सिर्फ वीक डे आया, मंडे टू फ्राइडे का डेट ही आया सर। अब देख सकते हैं ना, 9, 10, 11, 12, 13 है, 14, 15 नहीं ना, यहाँ पे 16 है, ठीक है, राइट, 7, 8 नहीं है। अब इसमें एक चीज और करते हैं, मेरे पास यहाँ से जैन फैब मार्च भी मैंने लिख दिया, यानी किसी का नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाम पे यहाँ पे पूजा कर दिए और भी नाम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सारे नाम को मुझे यहाँ पे कॉमा इस तरह से करके दिखाना है, पूजा यहाँ पे मोहन, तो कॉनगेट तो आपको दिक्कत करेगा, तो इसका एक तरीका है, हालांकि लेटेस्ट एक्सेल में यूजफुल नहीं होता है, बट हाँ पुराने एक्सेल में इसका यूज ज्यादा करते थे हम, इसको कॉलम को बड़ा करते थे और यहाँ पे आके हम करते थे जस्टिफाई। जस्टिफाई होते ही पूरा एक में देखिए आपके सामने कंबाइन हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जस्टिफाइड सबको कंबाइन नहीं करता, वो कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग ही करेगा। देखिए कॉलम छोटा हुआ तो नीचे वाले रो में डाल देगा, मतलब कि एक ही सम इसको ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ए करना है, वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे हम जस्टिफाई भी क्लिक करके ओके करेंगे, तो देखिए आपका ये हो गया सर। लेकिन ये चीजें तो पहले यूज की जाती है, जैसे मैंने बताया कि ये चीजें बहुत पहले यूज करते थे, लेकिन आजकल हमारे एक्सेल में फॉर्मूले आ गए, जैसे कि कॉनकेट का फॉर्मूला आ गया है, जो एक बार रेंज सेलेक्ट कीजिए कॉनकेट कर देगा, टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे, टेक्स्ट ज्वाइन ट्रू और यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो सारा इनोट कर देगा, समझे? कोई डाउट इसमें? तो ये हमारा सीरीज का था। सीरीज में एक फॉर्मूला आता है फ्लैश फिल का। अब देखिए फ्लैश फिल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। अब क्यों है हम आपको बताते हैं। मैंने यहां पे अपना नाम लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया पूजा सिंह, मोहन राज शर्मा, कविता पांडे, कुंदन सिंह रॉय। अब मुझे सबका लास्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करने हैं। ये हमारा फर्स्ट नेम और यहां पे मेरा लास्ट नेम अलग करने, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, यहाँ पे सिंपल है। मैंने यहाँ पे पूजा लिखा, पूजा लिख के एंटर मारा, पूजा पे कर्सर रखा और हमने गए यहाँ पे फ्लैश फिल, हमने फ्लैश फिल पे क्लिक किया, देखिए फ्लैश फिल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे मैंने सिंह पे क्लिक किया, इस पे कर्सर रखा और यहाँ हम आ गए फ्लैश फिल, हो गया। तो फ्लैश फिल अलग करता है। अब नाम ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास डेट है, मैंने डेट डाला हुआ है और डेट में हमने इस तरह का डेट है हमारा, तो इसका मंथ अलग करना है, कुछ नहीं यहाँ पे मैं लिखिए
मंथ का नाम लिखिए और जाके स्लैश फिल कर दीजिए। कुछ नंबर के डिजिट से हमें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक सिक्वेंस मतलब बराबर होना चाहिए, अगर अनबराबर हुआ तो दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, मैं यहाँ पे मिडल नेम निकालना चाहूँ तो नहीं निकलेगा क्योंकि सब में मिडल नेम नहीं है। इसलिए उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 13 अलग करना है तो 13 हमने टाइप कर दिया और यहाँ हम फ्लैश फिल पर जाके अगर जस्ट यहाँ पे फ्लैश फिल करते हैं तो अलग हो रहा है, लेकिन किसी का अगर 2 डिजिट हुआ 3 डिजिट हुआ तो फिर वो उस हिसाब से अलग नहीं करेगा जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है मुझे, तो डेसिमल प्लेसेस मुझे अलग करना है। तो अलग करने के यहाँ पे 0.36 करता हूं और यहां हम फ्लैश फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग हो गया। फ्लैश फिल समझ में आया आप लोगों को? फ्लैश फिल में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सर आप लोगों को? चंद्र जी सर, ये सर डेट में मतलब फर्स्ट वाला हमें टाइप करना पड़ेगा ना? बस हर डेट में नहीं, फर्स्ट नहीं, कोई भी टाइप, अरे कहीं पे भी फर्स्ट हमें करना पड़ेगा? नहीं, कहीं भी फर्स्ट जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ना, ये नंबर मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 13 की यहाँ पे मान लीजिए कि 21 है, तो आप यहाँ पे 21 डालोगे तो जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट का दिखाएगा। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट हमें मैन्युअली, हाँ देखिए ना, मैंने फ्लैश फिल कर दिया तो देखिए फर्स्ट आया, लेकिन मुझे आपको लास्ट वाला चाहिए था ना, 21, 21, 32, 41, 32 चाहिए था, दिक्कत हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में लिखे, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि यहाँ 32 लिख दिया। अब इसको पकड़ के फ्लैश फिल कर देते हैं, कोई एक लिखना पड़ेगा। हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई एक हमें देना पड़ेगा ना, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट की बाउंडेशन नहीं है, कोई एक की बाउंडेशन है, ठीक है, समझ गए? हाँ जी, अब अगला जो ऑप्शन आता है क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको हटाना है आपको। जैसे लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी कॉलम को डिलीट कर देते हैं। कॉलम को डिलीट करने से दो प्रॉब्लम होती है। देखिए पूरा का पूरा डेटा यहाँ उठ के साइड में आ गया, मतलब कि मूव हो गया डेटा आपका। अगर इससे कोई फॉर्मूला लिंक है, इसमें सेलेक्ट करके फॉर्मूला लिंक कर रखा है, अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो आपका फॉर्मूला भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम करते हैं यहाँ पे क्लियर, क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेटिक क्लियर होगा, क्लियर कंटेंट, कंटेंट क्लियर होगा, क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, हाइपरलिंक, क्या सब इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमने तीन चीजें सीखा, हमने ऑटो सम, हमने फिल और हमने क्लियर को सीखा। फिल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका फ्लैश फिल। अब अगला ऑप्शन आता है हमारा सॉर्टिंग का, हम बात करेंगे डेटा सॉर्टिंग के बारे में, जो डेटा शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। अब पहले इस बात को समझिए कि हमें डेटा की शॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए डेटा शॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है ताकि डेटा को आप अपने हिसाब से अरेंज कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई लिस्ट लगा हुआ है, आपके ऑफिस ने प्रमोशन का लिस्ट लगा दिया है, तो लिस्ट अगर किसी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग हुआ तो ठीक है ना। मान लीजिए नहीं, कोई सिक्वेंस ही नहीं है, तो आपको कब तक आपको लिस्ट में देखना पड़ेगा, जब तक कि आपका नाम आपको नहीं मिल जाता है। मान लीजिए बाहर नोटिस बोर्ड में उन्होंने लगा दिया हुआ है ट्रांसफर का, तो आपका कब तक आपको लिस्ट देखना पड़ेगा, जब तक कि आपका मिल ना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अल्फाबेटिक से है, जैसे कि मान लीजिए चर्चिल जी का नाम है, तो चर्चिल सी से जाके देखेंगे, वो जेड वाई नीचे से नहीं या ऊपर एबीसी नहीं देखेंगे, सीधे सी पे उंगली जाएगा उनका। इसलिए एक इसके लिए चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है, डेटा के लिए भी करते हैं। जैसे आपके पास डेटा आया है और किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे मुझे टॉप 50 बैलेंस का डेटा भेज दो मुझे, तो टॉप 50 जैसे टॉप 5 का बैलेंस का डेटा भेज दो आपको। कुछ नहीं करना है, बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट कर लेना है ए जेड टू ए, क्लिक कीजिए जेड टू ए,
और यहां से आप फाइल उठा के भेज दीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्मॉल करना है तो उसी चीज का फॉलो कर सकते हैं, तो इसलिए शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, शॉर्ट अगर करते समय डेटा जरूर देखिए कि डेटा में कोई ब्लैंक रो तो ना हो, क्योंकि शॉर्ट चलता है कंट्रोल ए के ऊपर। किसके ऊपर? कंट्रोल ए के ऊपर। कि कंट्रोल ए करता है कि पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करता है ऊपर, जो ब्लैंक ऊपर का, जो कि मैंने सिलेक्शन मेथड में आपको समझाया था, तो देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे अगर किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मुझे बैलेंस के अकॉर्डिंग करना है, तो मैं बैलेंस पे कर्सर रखूंगा और यहीं पे जाके शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए शॉर्ट कर दूंगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग हम इसको कर देंगे सिंपली। लेकिन मुझे अगर दो चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने शॉर्ट कर दिया पूजा को, मतलब कि नेम को, तो इसमें देखिए जितने अजीब है, देव है, इंदर है, आग है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इनका जो नंबर है वो सिक्वेंसली नहीं है, माइनस प्लस भी है, बैलेंस सिक्वेंसली नहीं है। अभी दो है इसलिए ना, अब मान लीजिए कुछ नाम को हम तीन कर देते हैं, तीन चार कर देते हैं। अब मैं इस पे एक बार और दोबारा शॉर्ट करता हूं। अब देखिए यहां पे अजीत आपका आया, अब पता नहीं चल रहा है ना कि अजीत में देखिए माइनस भी है, तो अनसिक्वेंस है ना। मैं चाहता हूँ सबसे असेंडली सिक्वेंस में मत इस हो जाए, इंदर का भी ऐसे सिक्वेंस में आ जाए, इंदु का ऐसे सिक्वेंस में आ जाए, कवि का ऐसे सिक्वेंस में आ जाए, सबका सिक्वेंस में आ जाए उसके बैलेंस। तो इसके लिए हम कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे एक बार और एड लेबल करते हैं। ये पहला लेबल हो गया, फिर दूसरा लेबल जो कि हमारा है बैलेंस। हमने बैलेंस को चेक किया एंड यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, ये देखिए आपका शॉर्ट हो गया। एक और एक से ज्यादा कस्टम शॉर्ट में जाके एड लेबल करके कर सकते हैं। जनरली ये तो चीज आपको आती भी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास मंथ है, मंथ, और मंथ में मैंने जैन फैब मैच इस तरह से लिख रखा है। अब मैं इसको शॉर्ट करूंगा मंथ के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा, अल्फाबेटिक शॉर्ट हुआ ना, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग तो शॉर्ट नहीं हुआ। तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करने के लिए कस्टम में जाना होगा और यहाँ लिस्ट में आपको कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। कस्टम लिस्ट में आपके पास बने बनाए जैन फैब का देखिए यहाँ पर है, कुछ अपने से ही बना सकते हैं और यहाँ पे बने बनाए भी है, सिलेक्ट कर लिया देन ओके एंड देन ओके। अब देखिए जैन फैब मार्च आ गया। आप बोलेंगे नहीं मेरा तो फाइनेंशियल ईयर होता है, हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर मेरा कोई नेम लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपको कस्टम शॉर्ट पे जाना होगा और यहाँ लिस्ट में, न्यू लिस्ट में आप अपना लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं, अपना लिस्ट बना सकते हैं जो कि मैंने यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, एड करके एड ओके कर दीजिए, एड ओके कर दीजिए। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ जो लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है। प्रखा जी, सुरेंद्र जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये आपका कस्टम शॉर्ट होता है। उसी तरह से मान लीजिए आपने यहाँ पे कई जगहों पे कलर कर रखा है, यहाँ देखिए कई जगहों पे आपने कलर कर रखा है, आप चाहते हैं कि कलर जो है शॉर्ट होना चाहिए, तो यहाँ हम क्या करते हैं कस्टम शॉर्ट में बैलेंस को लेते हैं और यहाँ सेल वैल्यू की जगह पे सेल कलर और यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट करके ओके कर दिए, तो कलर वाइज भी आपका शॉर्ट हो जाता है। आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई आइकन्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आइकन यूज कर लिया, ओके।
अब यहाँ पे हम आते हैं कस्टम शॉट। कस्टम शॉट बैलेंस की जगह पे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे डेबिट है ना, रिसीव डेबिट, रिकरिंग डेबिट है। एंड यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन ले लिया, और यहाँ पे आपको जो टॉप में रखना है टॉप को सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। तो इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं, समझ गए? कोई प्रॉब्लम मैम आप लोगों को? अभी शॉर्ट ये तो अभी जो बताया मैंने आपको नॉर्मल शॉर्ट बताया, अब इसमें हम बात करेंगे एडवांस सॉर्टिंग मेथड की। एडवांस सॉर्टिंग मेथड हम अगली क्लास में आपको कवर करेंगे, फिलहाल इसकी आप ये कर लें। और सैटरडे एंड संडे आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस है, अगर आप फ्री हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में 8 बजे।